और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मलिक शबीर साहब मौजूद हैं। काइंडली सर मुझे बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी क्या फालियत है और आज इतना आला आपने प्रोग्राम किया उसमें तो आपको बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं तमाम जितने भी हमारे दोस्त हैं जितने भी जाने वाले हैं सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का आपका भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमें टाइम दिया और हमारे इस प्रोग्राम में रौनक पड़ी। दूसरा यह है कि हमारा इस प्रोग्राम के हवाले से क्योंकि हमें कुछ पाबंदियाँ भी थी कोरोना के हवाले से, इसीलिए हम तो प्रोग्राम काफ़ी बड़ा करने का इरादा रखते थे मगर इदारे की तरफ से हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन थी कि आप मलिक साहब मेहरबानी करेंगे बिल्कुल थोड़े प्रोग्राम शार्ट प्रोग्राम करें और SOPs का ख्याल रखें, और उसका हमने कोशिश आप यही की थी कि हमारे बच्चे बैठे हुए थे, सैनिटाइज़र भी थे, हमें मास्क वगैरह भी खुद मंगवाए हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि यार लोगों से कम अज़ कम जो है ना वो उनकी मुलाकात हो। इस प्रोजेक्ट की जो ख़ास बात है ना वो हमारी जो कोशिश है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि हम ये प्रोजेक्ट आम लोगों के पहुंच में है, ठीक है, क्योंकि आपने 3 साल की एक साथ में ये आपने तमाम देना है जी। 3 साल के जो है ना एक साथ में आपने पेमेंट करनी है इदारे को, ठीक है, और उसके बाद 30% पेमेंट करने के बाद आप लोग ओरिजिनल मालिक बन जाते हैं इसके। हमारी कोशिश है कि दिसंबर 2021 में इंशाल्लाह बफ़ज़्ले ताला अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो इंशाल्लाह लोअर ग्राउंड और ग्राउंड को हम आबाद करेंगे, क्योंकि सबसे पहली कोशिश मेरी ये है कि हम लोग काम शुरू कर दें। जब काम शुरू करेंगे और जब शॉप्स आबाद हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह बफ़ज़्ले ताला आपके क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास वैसे भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बफ़ज़्ले ताला जो हमारी अपनी टीम है वो इतनी मजबूत टीम है कि हमें मार्केट किए बगैर तकरीबन हम 40% ये सेल कर चुके हैं। बिल्कुल, बेसिकली ये इंडोर है, इसमें फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स हैं, सेकंड फ्लोर पे पूरा हमारा सेकंड फ्लोर फूड कोर्ट है जी। थर्ड फ्लोर पे हम लोग इंशाल्लाह बफ़ज़्ले ताला आउट क्लास किस्म के ऑफिस बनाएंगे जी। फोर्थ फ्लोर पे हमारे फ्लैट्स हैं सारे जी। फ्लैट्स जितने भी हैं वो हमारे डबल साइड ओपन है, यानी हर फ्लैट के साथ बालकोनी है क्योंकि हमारा ये प्लॉट 3 साइड ओपन है और छत के ऊपर तो टॉप रूफ के ऊपर अगर आप देखें हमारी एलिवेशन देखें तो टॉप रूफ में आप देखेंगे कि एक आउट क्लास किस्म का एक रेस्टोरेंट लेके आ रहे हैं जहाँ पे आपको तमाम एनवायरनमेंट मिलेंगे, जहाँ पे आपको बॉलिंग कोर्ट्स मिलेगा, जहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, जहाँ पे आपको बच्चों के झूले मिलेंगे जी। सर क्योंकि आपने कहा कि एक कॉमन पर्सन भी इसमें इन्वेस्ट कर सकेगा तो आपको पता है कि एक कॉमन पर्सन के पास गाड़ी नहीं होती और वो उसके फिर कन्वेंस का आप लोग क्या करेंगे, क्या कोई यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह तो कुछ सिलसिला करेंगे, कोई टैक्सीज वगैरह हायर करेंगे या क्या करेंगे? बेसिक पता क्या है, बेसिकली यहाँ पे पहली बात तो ये है कि मैं काम ही सिर्फ गुलबर्ग का कर रहा हूँ, गुलबर्ग से बाहर मैं काम ही नहीं कर रहा। जहाँ तक मैंने देखा यहाँ पे 99% लोग जितने भी विजिटर भी आते हैं तो वो अपनी गाड़ियों पर आते हैं। हाँ, हमारे इस प्रोजेक्ट की जो ख़ास बात है डी वर्कल में किसी प्रोजेक्ट में अपना कार पार्किंग नहीं है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना जाती कार पार्किंग है, जितने क्लाइंट हमारे यूज़र होंगे सबके लिए कार पार्किंग नीचे तकरीबन कम अज़ कम 200 गाड़ियों की गुंजाइश, इतनी गुंजाइश होगी हमारे पास इंशाल्लाह। तो ये तमाम जितने भी मामला हैं उनको तमाम मद्देनज़र रख के हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। सर लेकिन आपको खुद अंदाज़ा हो क्योंकि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको वर्कर्स भी चाहिए होते हैं और फिर हर वर्कर के पास एक कन्वेंस का इशू रहता है क्योंकि एक ये मैंने देखा है कि काफ़ी लंबा सफ़र है तो कोई भी वर्कर यहाँ से वहाँ तक चल के नहीं जा सकता, तो फिर वो किससे रब्ता करेंगे? देखिए ये आजकल तो बड़े शहरों में कम अज़ कम ये तमाम बड़े शहरों में ये सहूलियात मौजूद हैं कि यहाँ अगर यहाँ गुलबर्ग से हमें जाना पड़ता है फेज़ 1 हमें कम अज़ कम 1 घंटा लगता है जी। तो उस हवाले से बाकी
आप ये देखें कि यहाँ आपके हॉस्पिटल्स टॉप लेवल के जितने भी स्कूल्स हैं वो तमाम यहाँ पे आ चुके हैं। 500 बेड का हॉस्पिटल की बुनियाद रख दी गई है, यहाँ काम तेज़ी से जारी है। ये आप आने वाले सिर्फ 2-3 सालों में देखें कि गुलबर्ग जो है एक अलग ही दुनिया बसा रहा होगा आपने। सर आप अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप किस तरह से आपसे इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, कुछ उन्हें